मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की, मैं आपकी बहू हूँ, आज आपके बीच आई हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे, मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें। लोकसभा चुनाव में लगातार मजबूत दावेदारी पेश करने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या अपने इन प्रत्याशियों को वाकई में जीत दिला पाएंगी? जिस तरह से वह अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, तो वहीं उनके भतीजे आकाश आनंद भी। ऐसे में सवाल बन जाते हैं यहां पर जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर भी, जहां से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी अब वह खेलती हुई नजर आ रही हैं। क्या धनंजय सिंह की पत्नी जीत यहां से हासिल कर पाएंगी या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश। दिनेश, जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती एक वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं और देखा जाए तो कई सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की एक वक्त, लेकिन अब देखा जाए मायावती की पार्टी का वो वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और ऐसे में 80 लोकसभा सीटों पर उनका दाव खेलना यहां पर कितना बड़ा रिस्की यहां पर माना जा सकता है, कितना भारी नुकसान उनके लिए माना जा सकता है? जी, यहाँ पर देखिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया प्रांशी। और मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। जौनपुर सीट की बात कर लें तो वहाँ पर धनंजय सिंह बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर से उन्होंने जिस तरीके से जो रंगदारी मांगी थी, जो फिरौती मांगी थी, उस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे से 1 महीने के दौरान में ही बाहर निकल आए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जो है चुनाव लड़ रही हैं और लगातार के दावे भी कर रही हैं। उनका सबका कहना है कि यहां पर धनंजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जो है देखने को मिल रहा है। इस बीच बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने वहां से बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने उमा शंकर शर्मा को चुनावी मैदान में यहां से टिकट दी है। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह अपनी जो बाहुबली की छवि है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लगातार जो है एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक लिहाज से शुरुआत नहीं की, जिन्होंने दूसरे तरीके से शुरुआत की। गुंडागर्दी में उनका एक अच्छा खासा नाम देखने को मिलता है और जौनपुर के इलाके में हर कोई धनंजय सिंह को जानता है। इसी आधार पर राजनीतिक जो है अपनी तमाम रणनीतियां बनाते हुए और जीत दर्ज करते हुए भी हमने पिछले वक्त में उनको देखा है, लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से तमाम कहीं ना कहीं बाहुबली नेताओं को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रही है, उसमें धनंजय सिंह भी पीछे नहीं रहे और योगी सरकार का जो शिकंजा कसा गया है उनके ऊपर आरोप साबित हुआ। और पिछले दिनों जिस तरीके से देखा हमने कि जौनपुर से ही उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो उनको जमानत मिली है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ से चुनाव में हो सकता है, क्योंकि 6ठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है और ऐसे में श्रीकला रेड्डी के पास अभी 1 महीने का वक्त बाकी है, जबकि धनंजय सिंह भी वापस आ चुके हैं। तो इस 1 महीने के वक्त में कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की रणनीतियों को और पुख्ता करने का टाइम यहां पर उनको मिल गया है और धनंजय सिंह जिस आधार पर राजनीति करते हैं उससे हर कोई वाकिफ है। देखिए, धनंजय सिंह जिस आधार पर राजनीति करते हैं ये तो सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, मायावती की तारीफ वह कर रही हैं, गुणगान गा रही हैं, क्या यहाँ पर मायावती का जो समर्थन है, मायावती का जो हाथ उनके सिर पर है, क्या उन्हें जीत दिला पाएगा? सबसे पहले यहाँ पर श्रीकला रेड्डी का एक बयान आपको सुना देते हैं कि अब वह एक इमोशनल कार्ड जिस तरीके से खेल रहे हैं, वह कहती हैं कि मेरे मंगलसूत्र की रक्षा कीजिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। आपका मेरे इस संकट की घड़ी में यहाँ इतनी संख्या में आने के लिए हृदय से आभार। आपके सिवा अब मेरे इस धर्म युद्ध को जौनपुर के पूज्य माताओं, बहनों और भाइयों तक पहुंचाने का कोई और सहारा नहीं है मेरे पास। मेरे पति और आपके बेटे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो निर्भीक है। आपकी लड़ाई में उन्होंने कभी समझौता नहीं किए हैं। उन्होंने
बिना रुके बिना थके जौनपुर के लोगों की सेवा किए हैं और जब आपकी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराए गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को कोई और रूप दिया गया है। अभी जब माननीय न्यायालय ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो भी ये लोग बौखलाहट में उनका जेल ट्रांसफर कर दिया किया है। इन लोगों के अंदर माननीय न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने का या उसका सम्मान करने का साहस नहीं है। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साथ गांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं या उनको अन्य किसी फर्जी मुकदमों में फंसाने का साजिश कर सकती है, क्योंकि मेरे पति ही इस केस में एक ही गवाह है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि विपक्ष और अन्य दलों की सरकार बनाने पर आप मंगलसूत्र चीन जाने की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी सरकार में ही मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर पर संकट है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। बाबा साहेब के देश में जनता की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखने की सजा मेरी पति को इस साजिशों से नहीं मिलेगी। ऐसा मुझे माननीय न्यायालय के न्याय और देश के संस्थाओं के कारण विश्वास है। आज मैं पुरुषार्थ और जज्बे की धरती जौनपुर के अपने सभी परिवार जनों से अपील करती हूँ कि आगे आए और एकजुट होकर अपने बेटी बेटे की अन्याय की विरोध इस लड़ाई में उनका साथ दे दीजिए। अब आज के बाद ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आज बहन मायावती जी का हृदय से आभार जताना चाहती हूँ कि जौनपुर के सम्मान को बचाने की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा हाथ थामा है और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी बहू हूँ, आज आपके बीच आई हूँ। मेरा सिंदूर मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे मेरी बच्चों मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें। धन्यवाद। अब यही देखना होगा कि मायावती का जो हाथ उनके सिर पर बना हुआ है, आकाश आनंद भी उनके लिए जोरों शोरों से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, मायावती भी उनके साथ हैं, क्या श्रीकला रेड्डी यहाँ पर महिला वोट बैंक को बढ़ावा देते हुए अपने पति के नाम के खातिर, अपने पति के जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा है उससे देखते हुए क्या उन सभी वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या जौनपुर से श्रीकला रेड्डी जीत पाएंगी या नहीं?
देखिए आपने कहा कि मायावती के तमाम जो है तारीफों के कशीदे पड़ती हुई नजर आ रही हैं श्रृंखला, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश है जो मायावती के साथ परंपरागत रूप से जुड़ा रहा है। बीएसपी में भी धनंजय सिंह लंबे समय तक कहीं ना कहीं राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं और उसी आधार पर आगे आने वाले वक्त में यहाँ से उनको उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते देखने को मिले, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो सरकार रही है उस दौरान धनंजय सिंह का जो बाहुबली का तेवर था वो देखने को मिला और वो ही बढ़कर के आगे आया और उसी आधार पर उन्होंने इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो शासनकाल था उसमें उनको कहीं ना कहीं पनाह देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। जिस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था वो मामला कुछ अलग था, लेकिन धनंजय सिंह की जो लेगेसी है, जिस तरीके की उनकी एक पहचान है, वो एक अलग तरीके की व्यक्ति के रूप में है और उसी आधार पर अब मायावती का यदि साथ मिल पाता है तो जौनपुर में मैं आपको बता दूं प्रांशी, यहाँ पर दलित मतदाता जो है एक निर्णायक भूमिका में है और मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा खासा है, तो उसका फायदा उठाने की कोशिशें यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रृंखला रेड्डी धनंजय सिंह ये करना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर यदि ऐसा होता हुआ नजर आया तो वहां से धनंजय सिंह की पत्नी को जीत मिल सकती है। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जीत हासिल कर पाती हैं या पर नहीं। पहली बार चुनावी मैदान में वह उतरी हैं और ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है। छठवें चरण में इस सीट पर मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। अब यही देखना होगा क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित की गई जौनपुर से श्रीकला रेड्डी क्या जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं। क्या इतना आसान होगा जौनपुर से उनका चुनाव लड़ पाना। छठे चरण में इस सीट पर मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि इस सीट से श्रीकला रेड्डी जीत हासिल कर पाती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।